राम दोस्तों, हर हर महादेव। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बढ़िया होगे, मस्त होगे, स्वस्थ होगे और हमारे वीडियो देख रहे होगे। सो गाइस, आप लोग पटाखा ढूंढ रहे हो ना, बिल्कुल चीपेस्ट में एकदम पटाखा, बिल्कुल सस्ता में, लाइक रस्ते का माल सस्ता में। अगर आपको सस्ता सस्ता सब मार्केट में पटाखा चाहिए ना, तो मैं ना आपको एक जगह लेके चल रहा हूँ, पटना में। और फिर पटना में आपको मार्केट दिखाते हैं। वो मार्केट में पटाखा बिल्कुल होलसेल का रेट में मिलता है, प्लस उधर होलसेलर भी काफी ज्यादा। और पटाखा इतना सस्ता मिलेगा ना कि आप लोग सोच नहीं सकते हो। तो बस वीडियो में बने रहना, वीडियो कहीं भी स्किप मत करना, जितना हो सके उतना वीडियो को शेयर करना गाइस। तो चलो डायरेक्ट चलते हैं पटना का मार्केट में और फिर वहां पे आपको पटाखा दिखाते हैं और एंड में आपको पटाखा का रेट भी बताएंगे गाइस। और हम लोग भी पटाखा लेने के लिए जा रहे हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोग को भी हम ना आप लोग के लिए स्पेशल सा वीडियो बनाए और फिर आपको भी बता दे कि पटना पटाखा कहाँ पे सबसे सस्ता मिलता है, सबसे चीपेस्ट वेज चीपेस्ट क्या ऐसा बोलते ना, रस्ते का माल सस्ते में, एकदम इतना सस्ता पटाखा। तो चलो चलते हैं पटना और फिर डायरेक्ट आपको पटना मिलते हैं गाइज। सो फाइनली गाइज, अभी हम लोग आ चुके हैं पटना। और फिर पटना का पश्चिमी गेट है ना, लाइक पटना सिटी, वहां पे आओगे ना तो आपको कुछ ऐसा मार्केट मिलेगा, लेकिन इस टाइम ना काफी ज्यादा जाम है गाइज, काफी ज्यादा जाम है। और इसके आगे जाओगे ना तो आपको पटाखा का मेन मार्केट, लाइक बहुत ही सस्ता सस्ता सस्ता, यहाँ से भी देख सकते हो सारा डेकोरेशन का सामान मिल रहा है, जो भी दीपावली के दिन डेकोरेट करते हो ना वो वाली सामान मिल रहा है। प्लस आगे की साइड चलो ना तो यहाँ पे एक थाना भी मिलेगा और फिर यहाँ पे आप लोग देखो दशहरा दिवाली, यहाँ से आपको कुछ ऐसा बोर्ड मिलेगा। और लाइक अपन लोग सामने की साइड जाएंगे ना तो कुछ अलग, प्लस यहाँ पे देखो एक स्तूप भी लगा हुआ, एक ये भी बना हुआ, प्लस यहाँ पे देखो कुछ ऐसा शॉप का नाम आएगा। और इसके आगे चलोगे ना तो आपको मेन पटाखा का मार्केट दिखेगा। तो चलो डायरेक्ट चलते पटाखा का मार्केट है, बट उससे पहले ना सो गाइस, अगर आप लोग दिखाते जाएंगे अपन लोग तरफ से आओगे ना तो आप लोग पश्चिमी घाट आ जाना, वहां से ना खाजे कला करके कोई एक थाना है, वहां से बिल्कुल आगे आओगे ना तो ये सब पटाखा का स्टोर दिखेगा, लाइक बहुत ही बड़ा होलसेल। और अगर आप लोग अशोक राजपथ की तरफ से आओगे ना तो आपको अशोक राजपथ की तरफ से खाजे कला थाना की तरफ आना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो ना लाइटनिंग वाला काफ़ी अच्छा अच्छा सस्ता मिलता है, बट यहाँ पे लाइटनिंग वाला मेनली सस्ता नहीं मिलता क्योंकि ये मार्केट ना पटाखा के मामले में भी जाना जाता है। तो यहाँ पे पटाखा सबसे सस्ता मिलता है, ये सब लाइटनिंग के लिए ना आपको जो दिख रही है ना ये सब लाइटनिंग के लिए। अगर आपको चाहिए सबसे चीप में लाइक 10 रुपये 20 रुपये लर्ची चाहिए ना, तो उसके लिए आप लोग चले जाना, मैं ऐसा मार्केट जाके आपको बताऊंगा ना, वो मार्केट जाना, वहाँ पे आपको ना 10-20 ऐसे होलसेल का रेट में खरीद सकते हो और फिर उसको शॉप में आप लोग 20-40-50-100 ऐसे बेच सकते हो। तो इधर कुछ ऐसा सीनर है, लाइक देख रहे हो यहाँ भी पटाखा है, काफ़ी सस्ता सस्ता से यहाँ पर पटाखा मिलेगा, बट जो रोड पर बेचते हैं ना वो होलसेल से दुगना रेट में बेचते हैं। लाइक अगर 20 रुपया होलसेल में दे रहा है ना तो ये सब 30 रुपया 40 रुपया ऐसे करके बेचते हैं। और उसको आप लोग अपना अपना स्टेट में लेके जाओगे ना, लाइक अपना सिटी में लेके जाओगे ना तो उसको आप लोग 80-100 ऐसे करके भी बेच सकते हो, बट ये सब कुछ डिस्काउंट में देते हैं। लेकिन जो मैं अभी होलसेल में लेके जा रहा हूँ ना, वो वाली होलसेल में ना काफ़ी सस्ता मिलेगा आपको, 10 रुपये 20 रुपये में एक पैकेट मिल जाएगा, ऐसा ऐसा पैकेट मिल जाएगा। तो ये भी देखो यहाँ भी पटाखा मिल रहा है, आगे देखो ना तो काफ़ी ज़्यादा जाम है, बट फिर भी यार वीडियो बनाने में मतलब नहीं बन रहा, बट फिर भी बना रहा है। सामने साइड देखो टोटल पटाखा मार्केट है गाइज टोटल, बट ये भी होलसेल नहीं है, होलसेल इसके आगे है गाइज। ये नॉर्मली सा जो खरीद के रोड पर बेचते हैं ना, बस वही है। तो बस अभी जा रहे हैं होलसेल में और यहाँ पर देखो गाइज ये पटाखा कैसा बिक रहा है, ये देखो देख रहे हो, मतलब सारे जगह भीड़ है, भीड़ हो गया ना और फिर प्लस बारिश भी हो रही है ना, तो थोड़ा बहुत भीगते हुए जा रहे हैं अपन लोग, बट फिर भी चलो आपके लिए तो कुछ भी। प्लस पटाखा देख रहे हो गाइस कितना, मतलब लाइन लगा के ये लोग बेचते हैं गाइस, मतलब बहुत ही गंदा, बहुत ही अच्छे तरीके से बेचते हैं लोग पटाखा। बारिश हो रही है, रात का 9 बज रहा है और फिर यहाँ पर भी देखो गाइस पटाखा भाई, मतलब डेकोरेशन का सामान, दिवाली का पटाखा, सारा कुछ यहाँ पे, ईच एंड एवरीथिंग ए टू जेड मिलेगी गाइज आपको सब कुछ। और इधर के साइड देखो ना तो ये देखो होलसेल यहाँ से स्टार्ट होती है गाइज, मेन खाजे कले थाना आएगी ना वहाँ से मेन होलसेल स्टार्ट होगी गाइज। तो अभी बस इतना जाम आ रहा है और ये देखो सामने की साइड होलसेल है, ये देख सकते हो, प्लस डेकोरेशन देख रहे हो, डेकोरेशन का सामान इधर है और फिर यहाँ भी देखो गाइज यहाँ भी डेकोरेशन का सामान मिल रहा है। और अभी और आगे चलेंगे ना तो काफ़ी अच्छा अच्छा सा होलसेल का मार्केट मिलेगा। तो ये देखो अभी अपन लोग यहाँ आ चुके हैं और फिर यहाँ पे मतलब जाम ही इतना है ना, बच्चे लोग को देख रहे हो भाई कैसे चढ़ चढ़ के जा रहे हैं लोग। और फिर ये देखो ये होलसेल आ गया, ये देख रहे हो यहाँ पे पटाखा का होलसेल, भाई इतना मतलब जाम है ना कि क्रॉस करने में नहीं बन रहा, बट ये लोग खरीद के बेच रहे हैं साइड से, बट ये भी डिस्काउंट काफ़ी अच्छा देंगे और फिर ये भी होलसेल का रेट में देते हैं। ये देखो गाइस ये सब मैं ना मतलब इतना भीड़ हो रखा है ना क्या ही बोल सकते गाइस, ये देख लो यहाँ भी कुछ ऐसा पटाखा मिल रहा है भाई, मेन होलसेल आगे है,
थोड़ा सा आगे चलेंगे ना, अभी अपन लोग जाम के कारण ना थोड़ा बहुत अपन लोग मतलब पीछे रह जा रहे हैं, बट जाम के कारण ऐसा हो रहा है। और यहाँ पे देखो मार्केट में कुछ ऐसा पटाखा मिल रहा है, और सामने साइड आप लोग देख के बता सकते हो कितना जाम है। और फिर ये देख सकते हो गाइस, यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी होलसेल का रेट मिलता है। जो भी अंदर के साइड बॉक्स बॉक्स का दिख रहा है ना, वो सारा होलसेल। लेकिन हाँ, जब आप लोग ज़्यादा लोगे ना पटाखा, तब आपको होलसेल का रेट में सस्ते में मिलेगी। वरना जो आप लोग बाहर से लोगे ना, उससे थोड़ा बहुत महंगा पड़ेगा। लेकिन हाँ, आप लोग काफ़ी सस्ता में ले सकते हो यहाँ से। तो भाई मैं अभी और आगे जाऊँ ना, तो यहाँ देखो ये भी एक होलसेल है, और इस तरफ भी देखो ना, इस तरफ सारा होलसेल ही आपको दिख रहा होगा। टोटल होलसेल वाला है, टोटल रस्ते का माल सस्ते में ही मिल रहा है। हाँ गाइस, देख क्या रहो, रस्ते का माल सस्ते में मिल रहा है भाई। तो आओ जल्दी से, और जल्दी से पटाखा खरीदो, क्योंकि यार काफी सस्ता चीप एंड वेस्ट पटाखा मिल रही है। तो देखो मत, जल्दी से आओ और फिर पटाखा खरीदो। मैंने तो खरीद रहा हूँ, अभी खरीदने वाला हूँ, कितना खरीदूंगा वो भी बता रहा हूँ। बट फिर भी यार आप लोग भी बने रहो, और फिर वीडियो को देखो, और फिर एक बार जरूर पटना में आओ, पटाखा लो। और लरी का मैं स्पेशल वीडियो बनाऊंगा, बट मैं एक और शॉप बताने वाला हूँ जो कि बिहार शरीफ में ही है, काफी सस्ता में पटाखा मिलेगी वहां पे, तो उसको मैं वीडियो का एंड में बताऊंगा। तो अभी बस वीडियो को देखो और फिर पटाखा खरीदने का पूरा तैयारी कर लो गाइस। सो गाइस, सीन कुछ ऐसा है ना, इतना ज्यादा भीड़ है ना कि बता ही नहीं सकते गाइस। बट ये सब जो भी देख रहे हो ना, सारा होलसेल का रेट है, बिल्कुल चिप एंड बेस्ट गाइस। लाइक अगर आपको इधर ना बिहार में ना, या फिर कोई भी डिस्ट्रिक्ट में आपको अगर पड़ रही है 100 का पटाखा ना, तो यहाँ पे आपको 30 रुपये में मिलेगी, मात्र 20 से 30 रुपये में उसको आप लोग बेच सकते हो। प्लस ये देखो, ये मेन होलसेल आ गया गाइस। ये जो होलसेल बोलते हैं ना, ये होगी, प्लस इन लोगों का जो अंदर जो गोडाउन होता है ना, उसमें गाइस मतलब इतना सस्ता में आपको मिलेगा, सोच ही नहीं सकते हो। ये तो मतलब मेनली अगर 20 रुपये में मिल रही है ना, तो वो अगर गोडाउन में जाओगे ना, तो आपको 10 रुपये में मिलेगी, इतना सस्ता मिलेगी। तो ये सब कुछ ऐसा मार्केट, ऊपर की साइड देखो तो बारिश काफ़ी तेज से हो रही है। और फिर अपन लोग वीडियो बना रहे सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए गाइज, ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो, और फिर दिवाली में अच्छे से पटाखा फोड़ सको। और फिर अगर कोई बैन करता ना पटाखा से, तो भाई अगर पॉलिटिक्स लोग अपना बिनिंग में जब पटाखा फोड़ते हैं ना, तो हम लोग क्यों नहीं फोड़ सकते। और प्लस ये देख रहे हो, खाजे कले थाना, यहाँ से बिल्कुल आगे आओगे ना, तो आपको पटाखा का मार्केट मिलेगी। और फिर और भी आगे जाते हैं, और भी आपको दिखाते हैं। ये देख लो पटाखा का मार्केट, सारा पटाखा का मार्केट है गाइस, सारा पटाखा का ही मार्केट है। और मैं बोल रहा था ना गाइस, दिवाली है, पटाखा जम के फोड़ो गाइस। ये नहीं कि हाँ मतलब ऐसा, कुछ पॉलिटिक्स लोग अपना जब जीतते हैं तो वो लोग तो पटाखा फोड़ते हैं ना, तो फिर हम लोग क्यों नहीं दिवाली में फोड़ सकते हैं। हम लोग का तो पर्व है गाइस, उन लोगों का क्या होता है, वो लोग जीतते तो फोड़ते, तो हम लोग पर्व में क्यों नहीं फोड़े गाइस पटाखा। तो पटाखा जम के फोड़ो गाइस, जितना फोड़ सकते हो अच्छे से फोड़ो, दिवाली को सेलिब्रेट करो अच्छे से। और फिर यहाँ पे देख सकते हो, बर्तन ये सब सारा कुछ मिलता है गाइस। लाइक जो भी दीपावली के दिन बर्तन ये सब की जरूरत होता है ना, बस उसके जस्ट बाद ना छठ पूजा आती है, उस टाइम भी बर्तन का जरूरत होता है, तो उस टाइम भी यहाँ से सारे लोग बर्तन लेते हैं। प्लस सामने की साइड देखो, लर्ची लाइट वाला, ये जो लाइन से जलती है ना लर्ची, वही वाली है। बट इसका ना एक ऐसा मार्केट है ना, वहाँ पे आपको बिल्कुल चीप रेट में मिलेगा, तो मैं आपको वो मार्केट भी बताऊँगा। तो आप लोग बस वीडियो में बने रहना, और फिर यहाँ पे कुछ आगे की साइड ना कुछ ऐसा आता है, बट यहाँ पे मेन मार्केट अब बचा नहीं, जो भी था पीछे में ही था। और आगे एक और मार्केट है जो कि मैं आपको बहुत जल्दी। फाइनली गाइस, हमने टोटल 7,000 का पटाखा खरीदा है, बहुत ही सारा पटाखा खरीदा है, क्योंकि वो आपको दिवाली में दिख जाएगा, अपन लोग फोड़ेंगे ना तो वो दिख जाएगा। बट जो होलसेल में मैं गया था ना, वहां पे उन्होंने वीडियो बनाने से मना किया, बोला यार इधर ना पुलिस काफी ज्यादा तंग करते, जो रोड पे बेचते हैं ना उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जो गोडाउन में बेचते हैं ना उनको हमेशा ताला लॉक करके बेचना पड़ता है, क्योंकि पुलिस बंद करने के लिए बोलते हैं। तो भाई ऐसा नहीं होना चाहिए ना भाई, दिवाली हम लोग का पर्व है, तो वो लोग पटाखा बेच रहे हैं तो बेचने दो ना। जब पॉलिटिक्स लोग अपना जीतते हैं, जो भी होता है पॉलिटिशियन लोग जीतते हैं, तो वो लोग पटाखा फोड़ते, तो उन लोगों को कुछ भी नहीं, उन लोगों के टाइम तो मार्केट ओपन रहती है। बट हम लोग का दिवाली आया तो मार्केट ये लोग ओपन करने नहीं देते, जो भी होलसेल वाले हैं ना उनको नहीं देते हैं। बट चलो कोई बात नहीं, ये तो मेरे को फंडा पता नहीं, क्या फंडा है, क्या रूल है, क्या मेरे को कुछ भी नहीं पता। बट हाँ, मैंने काफी चिप रेट में खरीदा है गाइस, काफी चिप रेट में। मैंने ना वीडियो बनाने के लिए उनको बोला, बट उन्होंने साफ साफ मना किया, इसी कारण से मैं वीडियो नहीं दिखा पाया। बट आप लोग खाजे कला थाना के पास आओगे ना, पटना सिटी से आगे आओगे, पश्चिम घाट की तरफ, तो वहां से आपको खाजे कले थाना मिलेगी, वहां पे आ जाना आप लोग। वहां पे आपको ना बिल्कुल रस्ते का माल सस्ते, ऐसा बोलते हैं ना, काफी रफ तरीके में बोलते हैं ना, रस्ते का माल सस्ते में, उतना सस्ता आपको मिल जाएगी। तो अपन लोग, तो मैंने तो बहुत सारा पटाखा ले लिया, और ये पटाखा सरप्राइज है, क्योंकि आपको ना दिवाली में मैं सारा कुछ दिखाऊंगा, क्योंकि दिवाली में वीडियो भी आपको चाहिए ना, तो मैं उसके लिए स्पेशल लाया हूँ। तो सोच रहा हूँ अभी यहाँ पे वीडियो को एंड करूँ, क्योंकि वीडियो ना काफी ज्यादा लंबी हो चुकी है।
सो आई होप आप लोग को वीडियो अच्छी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, जितना हो सके उतना वीडियो को शेयर करना गाइस। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय, टेक केयर, जय श्री राम गाइस, हर हर महादेव, हैप्पी दीपावली गाइस, सारे लोग अच्छे से सेलिब्रेट करना, बस हाथ से दूर रख के फोड़ना पटाखा बम जो भी है, तो स्टे सेफ स्टे अलर्ट, जो भी रहना सेफ रहना, खुद भी सेफ रहना, दूसरों को भी सेफ रखना। सो बाय बाय गाइस।